ओके दोस्तों, तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में देखते हैं। हमारे पास मान लो ये एक्सिस है और ये एक्सिस के अबाउट कोई भी एक जनरल शेप का चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा। ठीक है, सुनाओ। जो हमारा इसका अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो यहां से कोई भी जनरल डिस्टेंस आर पर मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगा डीक्यू। तो हमारे पास जो डी म्यू होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट डी म्यू विल बी नथिंग बट कितना आ जाएगा, डी आई इंटू ए। डी आई विल बी डी क्यू ओमेगा बाई टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दैट विल बिकम डी क्यू आर स्क्वायर, डी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। अच्छा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को डीएल लिखता हूं, सो दैट विल बी नथिंग बट डी आई इंटू ओमेगा, सो दैट विल बी डी एम ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, सो म्यू हमारे पास आ जाएगा वन बाय टू, चलो ओमेगा तो फिक्स है, डी क्यू आर स्क्वायर। एंड एल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी डी एम आर स्क्वायर। सो इफ आई सी दैट इज म्यू बाई एल, दैट इज वन बाई टू इंटीग्रल डी क्यू आर स्क्वायर बाय इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास कोई भी जनरल के लिए म्यू बाई एल आएगा। नाउ इफ चार्ज एंड मास आर इक्वली, और मतलब इक्वली नहीं बोलना चाहिए, आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमिलरली। ट्राई टू रियलाइज, अभी तक हम लोगों ने जो भी केस किए थे यहां पर सब में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था, यानी सब में हमारे पास चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर था विथ रेस्पेक्ट टू आर। सिंपली कैन आई से दैट इंटीग्रल डी क्यू आर स्क्वायर बाई इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर विल बी नथिंग बट क्यू बाई एम। एंड यहां से हम लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाय इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी सिंपली क्यू बाय टू एम। बट ये वाला चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। और ये वाला चीज जो है म्यू बाय एल, दिस इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो। दिस इज कॉल्ड द जायरो मैग्नेटिक रेशियो। लेट्स सी, जो हमारा पॉइंट चार्ज है या रिंग है
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मानते हो या नहीं एमआर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम एल जो आएगा दैट विल बी एम ओमेगा आर स्क्वायर, डिवाइड करो 2m आ रहा है, q by 2m आ जा रहा है। डिस्क का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो है हाफ एम आर स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। तो डिस्क के लिए भी हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो हम देख सकते हैं। रॉड के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस सिंपली कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई थ्री। सिमिलरली जो हमारा सॉलिड कोन है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है 3/10, कितना एम आर स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम एल 3m ओमेगा आर स्क्वायर बाय 10 होगी। अगेन म्यू बाय एल करो और म्यू बाय एल करने पे वापस हमारा क्यू बाय 2m आ रहा है। जो हमारा हॉलो कोन होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नो कम्स आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, डिवाइड करो वही आएगा। होलोस्फीयर के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई दैट इज ए 2/3 एम आर स्क्वायर, तो एंगुलर मोमेंटम 2/3 एम ओमेगा आर स्क्वायर, डिवाइड करो क्यू बाई 2m आएगा। या फिर सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो आएगा 2/5 एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो जहां पर हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू बाई एल हम साफ साफ देख सकते हैं क्यू बाई 2m फॉर ऑल पॉसिबल फिगर्स। बट एक बात ध्यान देना, इफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट आइडेंटिकल। अच्छा देखो बेसिकली क्या है, ये जरूरी नहीं है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन जैसे चार्ज वैरी कर रहा है वैसा ही मास हमारा वैरी करना चाहिए। इफ डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट आइडेंटिकल और रोटेशन एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो फेल्स। जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो हमारा काम नहीं कर पाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। हमारे पास यहां पर एक रॉड है, इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, दैट इज लैम्डा नॉट इंटू एक्स बाई एल। मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूनिफॉर्म है एम, देन व्हाट विल हैपन। अच्छा
अच्छा जो टोटल चार्ज होगा q, दैट विल बी इंटीग्रल लैम्डा dx फ्रॉम 0 टू l, सो दैट विल बी लैम्डा नॉट l बाई 2. सबसे पहले इसको हम रियलाइज करें. अच्छा तो एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर, एक छोटा सा मैं स्ट्रिप काट लूंगा dx, तो हमारे पास जो d म्यू होगा, सो वो कितना आ जाएगा, डी क्यू ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू, दैट विल बी लैम्डा ओमेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई टू. बट लैम्डा इज नथिंग बट लैम्डा नॉट ओमेगा बाई 2L x cube into dx. That is what we are going to get. तो हमारे पास जो mu आ जाएगा, that will be lambda not omega by 2L integral x cube dx from 0 to L. So that will be simply lambda naught omega l square by 6. ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा. एंड अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, मैं क्या इंटीग्रेट कर रहा हूं, सॉरी, यहां पे l cube आएगा और यहां पर मेरा 8 आएगा, सॉरी. तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, लैम्डा नॉट एल बाई टू को एक साथ रख दो तो ये आ जाएगा क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई फोर. ये हमारे पास आ जाएगा म्यू, द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इस वाले पूरा रोटेटिंग रॉड का. और जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, दैट विल बी ml square by 3. तो जो एंगुलर वाला मोमेंटम आएगा, दैट विल बी m omega l square by 3. सो सिंपली हम लिख सकते हैं जो mu by l विल बी 3q by 4m not equals to q by 2m. तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारा वैलिड नहीं हो रहा है. ट्राई टू रियलाइज वन मोर थिंग, वहीं पे अगर मान लो मेरे पास है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, यहां पर मेरे पास आएगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर मैं ओमेगा से गोल गोल घुमाता हूं, मास एम है, रेडियस आर है, टोटल चार्ज क्यू है. ध्यान देना मास के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो पूरा का पूरा हमारे पास आएगा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो आएगा वो तो हमारे पास 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 2/5 m omega r square, ठीक है, ये हमारे पास l आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. बट ट्राई टू रियलाइज फॉर द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो ऑल चार्ज ऑन सरफेस, यानी दिस विल इफेक्टिवली बिहेव एज अ होलोस्फीयर. दिस विल इफेक्टिवली बिहेव एज अ होलोस्फीयर. तो हर चार्ज जो है वो हमारा सरफेस पे है. तो हमारे पास जो म्यू आ जाएगा यहां पर, वो चीज पे अगर हम ध्यान दें तो होलोस्फीयर के लिए कितना होता है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 3. तो यहां पर अगर हमें म्यू बाई एल निकालते हैं
तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर हमारा कट हो गया है, तो मेरे पास बचेगा 5q/6m।